नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। दिल्ली से बाहर निकलकर पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की नजर अब हरियाणा पर है। पंजाब की गद्दी अपने राजनीतिक संकट के साथ ही भगवंत मान को सौंपने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम करेंगे। पंजाब में हुए सियासी बदलाव के बाद न केवल हरियाणा की अफसरशाही बल्कि दूसरे दलों के असंतुष्ट नेता भी अब आम आदमी पार्टी के करीब आने की जुगत लगा रहे हैं। हरियाणा में अभी तक आम आदमी पार्टी की पहचान अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी नवीन जैन से होती है। प्रदेश में आज तक जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं उनमें विपक्ष के नाते नवीन जैन ने बेहद ही सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाई है। पारिवारिक कारणों से नवीन जयहिंद जब करीब एक साल तक अज्ञातवास में रहे तब हरियाणा में आम आदमी पार्टी की गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो गई थी। नवीन जयहिंद की गैर मौजूदगी में राज्यसभा सदस्य डॉ. सुशील गुप्ता ने हालांकि पार्टी की गतिविधियों को चालू रखने की कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी जनता से अपना सीधा कनेक्शन नहीं जोड़ पाए। अज्ञातवास से बाहर आते ही नवीन जयहिंद ने हरियाणा लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में हुए कथित भ्रष्टाचार के विरोध में ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और इनेलो समेत उनके छात्र और युवा संगठनों को भी फील्ड में उतरना पड़ा। पंजाब चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद राज्य में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को उड़ान मिलने की उम्मीद है। पार्टी का अगले कुछ माह के भीतर होने वाले शहरी निकाय चुनाव अपने सिंबल झाड़ू पर लड़ने का ऐलान इस बात का संकेत है कि अरविंद केजरीवाल अब अपने गृह राज्य हरियाणा को लेकर काफी गंभीर हैं। मूल रूप से भिवानी जिले की सिवानी मंडी के रहने वाले केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पुराने मित्रों को संकट में नहीं भूलते। हरियाणा के कुछ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और दूसरे दलों के असंतुष्ट नेता पहले ही उनकी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। राज्य में नवीन जयहिंद कई बार चुनाव लड़ चुके, उनके नेतृत्व में राज्य में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी हो चुका है। अब सीनियर आईएएस अधिकारी डॉक्टर अशोक खेमका के भी राज्य में आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू करने की आवाज प्रशासनिक गलियारों में सुनाई दे रही है। हालांकि अशोक खेमका अप्रैल 2025 में रिटायर होंगे, ऐसे में वो केजरीवाल के साथ अभी सक्रिय भूमिका निभाएंगे या फिर 2024 के चुनाव में अचानक फील्ड में उतरेंगे, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। पंजाब चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस, इनेलो, जननायक जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता केजरीवाल तक अपनी नमस्ते पहुँचाने के प्रयास में है, जिन्हें या तो अभी मौजूदा दलों में टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है या फिर टिकट मिलने के बाद भी उनकी राह आसान नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।